हाँ तो बच्चों ये डिसकनेक्ट हो गया था किसी वजह से। तो हमने पढ़ाया मोनोएसिडिक बेस प्रोड्यूस वन OH माइनस आयन पर मोलकुला बेस। जैसे ये है तो ये एक OH देगा क्योंकि एक OH है, ये भी एक OH देगा, ये भी एक OH देगा, ये न्यू OH की OH और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। डाई ये मोनोएसिडिक बेस है, डाईएसिडिक बेस भैया ये दो OH माइनस आयन देता है पर मोलक्यूल। ठीक है, कितना प्रोवाइड करें भैया, दो OH माइनस आयन पर मोलक्यूल। जैसे देखिए इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जिंक हाइड्रोक्साइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है। ट्राईएसिडिक बेस भैया ये तीन OH देता है पर मोलक्यूल ऑफ बेस। एक मिनट में चेक कर लूँ, चल रहा है, ठीक है ये चल रहा है, कंटिन्यू है। ठीक, तो इस तरह से होते हैं, नोट कर लीजिएगा, इसको भी लिख लीजिए सब लोग। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिस, सबसे पहली बात टेस्ट एंड फील, चलो बताओ बाबू कैसा आता है टेस्ट, बिटर टेस्ट। टेस्ट कैसा होता है भैया, बिटर टेस्ट होता है। और ये कैसा होता है, सोपी टच। बिकॉज आवर स्किन कंटेन ऑयल विच कंबाइन टू फॉर्म सोप। एकदम सीधी सीधी बात है, सीधे से ठीक ये बात। दूसरा कोरोसिव नेचर, दूसरी बात है बेटा कोरोसिव नेचर। ठीक, कास्टिक पोटास आर कोरोसिव इन नेचर, कास्टिक पोटास स्पेशली कोरोसिव होता भैया। कोरोसिव मतलब बर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है स्किन पे, दे हैव स्ट्रॉन्ग बर्निंग एक्शन ऑन स्किन, इसका मतलब ये है। ऑन स्किन भैया स्किन पे ये बर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और ब्लिस्टर प्रोड्यूस करते हैं, एंड प्रोड्यूसेस ब्लिस्टर, ब्लिस्टर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जरा इसको नोट करा जाए, चलिए चल तो रहा है। एक्शन ऑफ इंडिकेटर्स, एक्शंस ऑफ इंडिकेटर्स, इंडिकेटर ऑफ कलर चेंज। चलो बताओ इसमें सबसे पहले लिटमस है, ठीक है, टर्स ब्लू, रेड टू ब्लू, मेथिल ऑरेंज है, ठीक है, रिमेंस येलो। फिनाल फथेलीन है, पिंक हो जाता है बेटा, ठीक है, ये कैसा कलर हो जाता है इसका, पिंक। ये तो भैया इंडिकेटर पे असर है बेस का। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सब हेडिंग्स है,
ठीक है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें बेटा आयंस हैं, जब भी आप एक्वा सोल्यूशन में रखोगे तो इसमें आयन प्रोड्यूस होते हैं भैया। लाइक एसिड सोल्यूशन ऑफ बेसिस ऑफ इन वाटर ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लाइक एसिड्स सोल्यूशन ऑफ बेसिस इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है भैया, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। रिएक्शन विथ एसिड्स तो इसको मैं अगले पे बात करता हूँ, पहले इतना नोट करा जाए। नोट हो जाए बताना। रिएक्शन विथ एसिड्स, बाबू जब भी बेस की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हो तो हमेशा साल्ट और वाटर बनता है, ये रिएक्शन भैया होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन भैया वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व होती है, कॉल्ड एज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक, जैसे NaOH है, HCl है, तो NaCl बना बाबू, H2O बना, तो यहाँ पर हीट निकलती है। ठीक है, पर इक्विवेलेंट लिखा जाता है, पर मोल भी लिख सकते हैं। तो इतना हीट जो है भैया इवॉल्व होती है लगभग। तो ये जो है एक जो थर्मिक रिएक्शन होती है इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। कोई भी एसिड, कोई भी बेस ले लीजिए, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया भैया, H2SO4 लिया, मैग्नीशियम सल्फेट बना और 2H2O बना, ठीक है, तो ऐसे। ठीक, अब इससे संबंधित एक एक्टिविटी है उसको देख लेते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में है एक एक्टिविटी है उसको भी देख लेते हैं, फिर और ढेर सारा हम लोग रिएक्शन वगैरह पढ़ते हैं, फिर इसकी थ्योरी भी है थोड़ी बहुत उसको देखेंगे, इसके बाद pH इंडिकेटर पढ़ेंगे, फिर pH पढ़ेंगे, जो भी है आगे क्रम से। ठीक, नोट करा जाए। एक्टिविटी, टू स्टडी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रोसीजर इसके लिए बेटा कुछ डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन ले लीजिए, टेक सम डाइल्यूट HCl, ठीक है, सॉल्यूशन इन ए कोनिकल फ्लास्क। अभी मैं लेने वाला हूँ, पहले लिख लूँ इसको। एक कोनिकल फ्लास्क में थोड़ा सा डाइल्यूट HCl लेते हैं, फिनाल फथेलिन, ठीक है, उसमें क्या मिला देंगे, एक से दो बूंद
फिनाफ्थलीन मिला लेंगे। टेक सम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन ए ब्यूरेट, एक ब्यूरेट भैया थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। क्या लेते हैं भैया? एक ब्यूरेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। एड डिस सोल्यूशन टू HCl इन ए कोनिकल फ्लास्क, इसको भैया हम लोग HCl में एक कोनिकल फ्लास्क में मिलाते हैं। तो ये सारी बातें आप इमेजिन कर रहे हो, अभी मैं चित्र भी बनाता हूँ। पहले एक बार इसको नोट कर ले जाए, ऊपर से मैं रफ करूँगा। वीडियो पॉज करके लिखो जल्दी से। बाय ड्रॉप ड्रॉप बाय ड्रॉप विथ स्टीरिन कांस्टेंट स्टीरिन, लगातार हिलाते रहोगे, ठीक है? सोल्यूशन को लगातार हिलाते रहोगे। स्टेज रीच व्हेन द सोल्यूशन कोनिकल फ्लावर जस्ट अपीयर पिंक, व्हेन द सोल्यूशन इन ए कोनिकल फ्लास्क कैसा हो जाएगा बेटा? ये पिंक हो जाता भैया। लैब की चीज़ है, लैब में हमारे पास सब कुछ रखा है। अब आप लोग का स्कूल जैसे खुलता है तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है? डिवाइड सोल्यूशन इन फ्लास्क इनटू टू पार्ट, डिवाइड द सोल्यूशन इन फ्लास्क इन टू पार्ट, दो पार्ट भैया सोल्यूशन को पूरा डिवाइड कर दीजिए बाद में, ठीक है? एड ब्लू लिटमस एंड टू अदर रेड लिटमस, दो पार्ट में से डिवाइड कर लीजिए। एक में क्या डालिए? ब्लू लिटमस, और एक में क्या डालिए? रेड लिटमस, ठीक? क्या ऑब्जर्वेशन देखेंगे? दोनों लिटमस डाल के क्या ऑब्जर्वेशन नजर आएगा? कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है? देयर इज नो चेंज इन आइदर ऑफ द लिटमस पेपर, देयर इज नो चेंज इन द आइदर ऑफ द लिटमस पेपर। कोई चेंज देखने को मिलेगा? कोई भी चेंज नहीं आएगा भैया, लिटमस पेपर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है? साल्ट है ना, ये साल्ट है, और साल्ट में क्या एसिड और बेस में तो लिटमस पेपर कलर आता है। कंक्लूजन क्या आएगा? कंक्लूजन, ठीक है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हैज टेकन प्लेस बिटवीन द टू रिएक्टेंट्स, ठीक है? सिंस द सोल्यूशन ऑब्टेन नॉट एसिडिक नॉट बेसिक, सोल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, मतलब ये न्यूट्रल है, ठीक? NaOH और HCl की रिएक्शन कराया आपने, क्या बना? NaCl साल्ट बन गया और H2, इसका सोल्यूशन ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, ठीक? समझ रहा है? जैसे एक कोनिकल फ्लास्क लिया था आपने सबसे पहले, इस तरह से कोनिकल फ्लास्क दिखते हैं, ठीक? लिखा ना, इसमें क्या लिया था? HCl लिया आपने, इसमें क्या भरा? HCl, इसमें HCl भरा, एक से दो ड्रॉप इसमें हमने फिनाफ्थलीन मिलाया, क्योंकि ये इंडिकेटर होता है और एसिड में ये कलर नहीं शो करता कोई, ठीक? इसके बाद एक ब्यूरेट लगाया, ब्यूरेट से भैया NaOH लॉक है, यहाँ से NaOH गिराया, पूरे सिस्टम के लिए एक स्टैंड लगाया इसको पकड़ने के लिए, इस तरह से NaOH को हम लोग
ब्यूरेट में इसको बूंद बूंद गिराया हमने तो हमको ये दिखता है। तो ये एक्टिविटी थी, यहाँ से थी, जरा इसको समझ तो गए होगे क्योंकि होशियार तुम हो बहुत, बस लिख ही लो। ठीक, अब इसकी बाकी की रिएक्शन आज ही पढ़ोगे क्या? थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, रोज तैयार करो।